Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls School College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a few issues over philosophy, you can say. In this semester, there is educational philosophy in which few topics are based on philosophy itself. That is nature, function, branches of philosophy, meaning of philosophy, and relationship of philosophy and education. Then it comes to educational philosophy, that is many naturalism, pragmatism, etc. So I have already covered nature, scope, and function of philosophy. In this video, I will definitely cover branches of philosophy. So for starting point of view, I have a few slides over philosophy itself. So shuru karte hain darshan se. फिलोसफी क्या है? दर्शन, दर्शन शास्त्र. तो फिलोसफी है क्या? हम इतना हम सभी इन जनरल जानते हैं कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मींस सभी विषयों की उत्पत्ति फिलोसफी से हुई. आप ऐसा समझ सकते हैं ना, उसकी सभी विषयों की माँ है का मतलब जननी है, मतलब उत्पत्ति वहां से हुई है. तो फिलोसफी है क्या? फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मैटर्स सच एज एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ट्रुथ, ब्यूटी, लॉ, जस्टिस, वैलिडिटी, माइंड एंड लैंग्वेज. आप समझ सकते हैं कि सब कुछ नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए कुछ कंसेप्ट, कुछ कंस्ट्रक्ट लिखे गए हैं. आप समझ सकते हैं कि फिलॉसफी है क्या? अध्ययन है किसका? मतलब हम मूलभूत जो हमारे सामने प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, जो सामान्य प्रश्न और समस्याएं हैं, उन सब से लेना देना फिलॉसफी का है. और वो समस्याएं किससे रिलेटेड हो सकती हैं? हमारे अस्तित्व से. मनुष्य क्या है, क्यों है, क्यों आया, हमारा जन्म क्यों हुआ, मृत्यु के बाद क्या होता है, एंड ऑल. नॉलेज, ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति के तरीके कौन कौन से हैं. सत्य क्या है, सत्य क्या सापेक्षिक होता है या सत्य निरपेक्ष होता है, क्या मेरा सत्य आपका सत्य हो सकता है, एंड ऑल. ब्यूटी, आप किसको कहेंगे ब्यूटीफुल, किस एंगल से देखेंगे, इतने एंगल हैं देखने के. लॉ, लॉ क्या है, क्या यूनिवर्सल लॉज होते हैं, क्या लॉज यूनिवर्सल नहीं होने चाहिए, एवरीथिंग. जस्टिस, जस्टिस की क्या डेफिनेशन है, आप कैसे जस्टिस देंगे सामने वाले को. वैलिडिटी, माइंड, मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, दिमाग क्या है, बुद्धि क्या है, सब कुछ इसमें आ जाएगा. स्पिरिचुअल माइंड क्या है, क्रिएटिव माइंड क्या है. भाषा, एवरीथिंग, मतलब इतनी तो सिर्फ लिखी है, बाकी और भी कितनी हो सकती है. यानी कि हम सब से, हमारे जीवन से, जीवन के परे, जीवन के मिलने से पहले के सब प्रश्नों के साधारण और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स का अध्ययन ही फिलॉसफी है. और क्या है फिलोसफी? मोर ओवर, फिलोसफी इज रेशनल थिंकिंग ऑफ ए मोर और लेस सिस्टमेटिक काइंड अबाउट द जनरल नेचर ऑफ द वर्ल्ड. वो कह रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो दर्शन है वो एक रेशनल थिंकिंग है, मतलब चिंतन तो है पर तार्किक चिंतन है, या तो आप मतलब सिस्टमेटिक है, कहीं ज्यादा सिस्टमेटिक है, कहीं थोड़ा कम है, लेकिन है सिस्टमेटिक ही. और हमको बताता है किसके बारे में, जनरल नेचर ऑफ द वर्ल्ड. वो संसार की सामान्य प्रकृति के बारे में हमसे बात करता है, तो वो मेटाफिजिक्स है, जिसको कि तो मीमांसा कहते हैं, या आप इसको थियरी ऑफ एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी कि अस्तित्व का सिद्धांत. दी जस्टिफिकेशन ऑफ बिलीफ, यानी कि विश्वास का जस्टिफिकेशन, तब उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी. या थियरी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान मीमांसा या ज्ञान का सिद्धांत. एंड दी कंडक्ट ऑफ लाइफ, और जीवन जीने का तरीका, मतलब कि कैसे जीना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसको कि इथिक्स कहते हैं या नीति शास्त्र कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसको. और थियरी ऑफ वैल्यू, यहाँ एक्सियोलॉजी होना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि एक्सियोलॉजी के बाद वो इथिक्स और एस्थेटिक्स में बचता है, लेकिन ठीक है, इथिक्स भी चलेगा. तो फिलोसफी क्या है? रेशनल थिंकिंग है, पहली बात हमको समझ में आई. जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की स्टडी है, और ये जो रेशनल थिंकिंग है हमको कभी तत्व के बारे में बताती है, कभी ज्ञान के बारे में बताती है, कभी मूल्य के बारे में बताती है. इसीलिए फिलॉसफी की तीन मेन ब्रांचेस मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी हैं. फिर अगर फिलॉसफी का अर्थ जानना चाहें तो ऑक्सफोर्ड कोलिंस डिक्शनरी ने कहा कि फिलॉसफी इज द स्टडी और क्रिएशन ऑफ थियरीज अबाउट बेसिक थिंग, इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज, थॉट, और अबाउट हाउ पीपल शुड लिव. ये कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्र एक अध्ययन है, और क्रिएशन ऑफ थ्योरीज, या इसमें से सिद्धांतों का निर्माण होता है. और वो सिद्धांत किसके बारे में है? हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में, ज्ञान की प्रकृति के बारे में, विचार के बारे में, या लोगों को कैसे रहना चाहिए उसके बारे में. तो यही समझ में आ गया ना, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, मेटाफिजिक्स है. नॉलेज क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है. एंड हाउ पीपल शुड लिव क्या है, एक्सियोलॉजी है. तो वही बात डिक्शनरी कह रही है. और प्लेटो, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में क्या कहा, प्लेटो
ने कहा, या आप कह सकते हैं कि प्लेटो के हिसाब से फिलोसोफर क्या है, या फिलोसफी को कैसे देखते हैं प्लेटो, वो कहते हैं कि ही हु हैज ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, कह रहे हैं वो व्यक्ति जिसको हर प्रकार के ज्ञान का स्वाद है, स्वाद का मतलब वो पसंद करता है ना, उसको ज्ञान पसंद है, एंड हु इज क्यूरियस टू लर्न, और जो सीखना चाहता है, एंड इज नेवर सेटिस्फाइड, ये एन और होना चाहिए था इसमें, टाइप नहीं हुआ है, एंड इज नेवर सेटिस्फाइड मे बी टर्म फिलोसोफर, वो कह रहे हैं सॉरी हाँ, दर्शन शास्त्र क्या है, मतलब दार्शनिक क्या है, वो व्यक्ति दार्शनिक है जिसको हर प्रकार का ज्ञान पसंद है, जो बहुत कुछ सीखना चाहता है, और वो जब कभी भी सीखने से संतुष्ट नहीं होता, यानी कि वो हमेशा उसके अंदर वो ललक बाकी रहती है, अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम और आगे सीखेंगे नहीं, तो ये असंतुष्टि जरूरी है कि हम और सीख सकें, तो उसी को दार्शनिक कहते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू प्लेटो। और फिलोसफी क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स अबाउट रियलिटी, यानी कि जो यथार्थ है हमारे इर्द गिर्द, सिस्टम ऑफ बिलीव्स यानी कि रियलिटी के बारे में जो विश्वास है उसके उसका सिस्टम है फिलोसफी, रियलिटी में सब कुछ आ जाएगा। वी कैन से दैट फिलोसफी इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ रियलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय रेशनल इंक्वायरी दैट एम्स एट द ट्रुथ फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग विजडम, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दर्शन है, जो दर्शन शास्त्र है, वो एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, यानी कि आपको जांच तो करनी है, वो एक क्रिटिकल तरीके से करनी है, किसकी जांच करनी है, यथार्थ की, जो हमारे रियल लाइफ है, जो रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं, और खास बात इसकी है कि जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो रेशनल होनी चाहिए, यानी कि हम तार्किक तरीके से खोज करेंगे, और खोज करेंगे किस लिए, ताकि हम सत्य की प्राप्ति कर सकें, दैट एम्स एट द ट्रुथ, और किसके लिए हो रहा है ये सब, ताकि हमको विवेक मिल जाए, विवेक पूर्ण तरीके से करें। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है, तो नॉलेज से भी विजडम ऊपर होता है, नॉलेज यानी ज्ञान है आपके पास, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करने का तरीका जब अगर आपको सही दिशा में आ जाए तो आप विवेकशील हो जाते हैं। तो ये सारा आप एक एक पन्ना लिख सकते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे, रियलिटी पे, रेशनल इंक्वायरी पे, ट्रुथ पे और विजडम पे, तो आप ये कह सकते हैं कि फिलोसफी को आप हल्के शब्दों के इस्तेमाल से उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। तो उसको अपने जीवन में उतारना तो कितना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज पे कितना कितना डिस्कशन हो सकता है, क्या है रियलिटी, क्रिटिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, रेशनल इंक्वायरी की क्या खास बातें हैं, ट्रुथ क्या होता है, विजडम क्या है, और विजडम को पाएं कैसे, इट इज ऑल सो टफ। देन डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस यानी कि कुछ दार्शनिकों ने फिलोसफी को डिफाइन करने की कोशिश की है, जैसे कि अरस्तु साहब कहते हैं कि फिलोसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन सेल्फ, वो कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्र एक विज्ञान है ये जो जांच करता है किसकी नेचर ऑफ बीइंग यानी जो कुछ भी है उसकी प्रकृति के बारे में, जैसा वो है मतलब जैसा संसार है, जैसे लोग हैं, जैसा जीवन है, उसका उसी रूप में इन्वेस्टिगेशन का साइंस ही फिलोसफी है। राधा कृष्णन कहते हैं कि फिलोसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, बार बार हमको मिल रहा है कि फिलोसफी इंक्वायरी है, लॉजिकल है, रेशनल है, रियलिटी के बारे में है, बार बार सब लोग उसको घूम फिर कर इसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। स्पेंसर कह रहे हैं कि फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज ए यूनिवर्सल साइंस, डीवी कह रहे हैं क्रिटिकल रिव्यूइंग ऑफ द फेमिलियर थिंग्स, यानी हमारे इर्द गिर्द जब सबने नेचर ऑफ रियलिटी की बात की उसी को इन्होंने फेमिलियर थिंग्स कह दिया है, वो कह रहे हैं फेमिलियर थिंग्स मतलब जिनसे आप परिचित हैं, वो सभी चीजें जिनसे हम परिचित हैं यानी कि हमारे इर्द गिर्द हैं भाई, उन्हीं से तो आप परिचित होंगे, उसी का समालोचना पूर्ण तरीके से पुनरावलोकन ही फिलोसफी है। फिर सेलर कह रहे हैं कि फिलोसफी इज परसिस्टेंट अटेम्प्ट टू गेन इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ अवर सेल्व्स बाय मींस ऑफ सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शंस, वो कह रहे हैं कि दर्शन जो है एक परसिस्टेंट अटेम्प्ट है, यानी कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं किसके लिए, ताकि हमको अंतर्दृष्टि मिल जाए, किसके बारे में, नेचर ऑफ द वर्ल्ड यानी जो संसार की प्रकृति है उसके बारे में अंतर्दर्शन प्राप्त करने का ये एक लगातार होने वाला प्रयास है, और दर्शन संसार के बारे में भी पता चले और अपने बारे में भी, एंड ऑफ अवर सेल्व्स, और कैसे पता चलेगा, हम रिफ्लेक्शन करेंगे, हम सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और किस तरीके से होगा ये सब कुछ, सिस्टमैटिक तरीके से होगा, यानी हैपजर्ड नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा। तो ये कुछ डेफिनेशन है फिलोसफी की। फिर फीचर्स, डेफिनेशन, मीनिंग और सब जान के हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान गए हैं, जैसे इट इज अ सेट ऑफ व्यूज और बिलीव्स अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स विच आर ऑफन हेल्ड अनक्रिटिकली, वो कह रहे हैं कि दर्शन जो है एक दृष्टिकोण का समूह है, एक विश्वास का समूह है, किसके बारे में विश्वास, जीवन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, और जो कि है मतलब अनक्रिटिकली, उस पर कोई आप क्रिटिक नहीं कर सकते हैं। फिलोसफी इज ए प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग अवर मोस्ट डीपली हेल्ड कंसेप्शंस एंड बिलीव्स, वो कह रहा है एकदम हमारे हृदय के एकदम अधर तल में जो समाहित जो कंसेप्शन है, विश्वास है, उनका भी क्रिटिसाइज करना, मतलब दूसरे एंगल से देखना कि वो भी गलत हो सकते हैं, या उनके रिफ्लेक्शन करने की प्रक्रिया फिलोसफी है।
क्या है, इट इज अ रेशनल अटेम्प्ट टू लुक एट द वर्ल्ड एज ए होल, संसार को एक होलिस्टिक वे में एक संपूर्णता की दृष्टि से देखने का तार्किक प्रयास ही दर्शन है. और क्या है, इट इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज. देखिए लैंग्वेज स्टडी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है और बहुत उस पर लिटरेचर अवेलेबल है कि लैंग्वेज कितना आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितना, मतलब हमको देखने हम ध्यान नहीं देते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन लैंग्वेज की अपनी कितनी लॉजिकल एनालिसिस है. तो फिलोसफी लॉजिकल एनालिसिस है भाषा की एंड द क्लेरिफिकेशन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स. वो कह रहा है कि कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, हर कंटेक्स्ट के साथ वर्ड के इस्तेमाल से उसका मतलब बदल जाएगा, है ना. तो जो शब्द हैं, जो संप्रत्यय हैं, उनकी मीनिंग के क्लैरिफिकेशन और लैंग्वेज की लॉजिकल एनालिसिस फिलोसफी है. और क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ पेरिनियल प्रॉब्लम्स दैट इंटरेस्ट पीपल एंड फॉर विच फिलोसोफर्स ऑलवेज हैव सॉर्ट आंसर्स. देखिए हम जब समस्या से ग्रसित होते हैं तो हम दार्शनिकों की तरफ देखते हैं कि आप उस समस्या का उत्तर दीजिए. तो वो समस्याएं जो चली आ रही हैं और जिन लोगों की रुचि की समस्याएं, रुचि की समस्या मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है, जिसे हम परेशान हैं और चाहते हैं उसके सलूशन हमको मिल जाए, उन सब के आंसर्स फिलोसोफर हमेशा देते रहे हैं. तो ये कुछ फीचर्स हैं फिलोसफी के, ऐसी ऐसी होती है फिलोसफी या दर्शन. फिर अब ब्रांचेस की बात करते हैं, तो ब्रांचेस अब आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए कि फिलोसफी की तीन मुख्य शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा. तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं, ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, मूल्य मीमांसा को एक्सियोलॉजी कहते हैं. एक्सियोलॉजी फिर दो भागों में बट जाता है, इथिक्स और एस्थेटिक्स. इथिक्स का मतलब नीति से है और एस्थेटिक्स का मतलब सौंदर्यानुभूति से है. तो तत्व मीमांसा अभी तक हम इतना ही जानते आए बीए के लेवल पे, बीएड के लेवल पे, या आगे भी जनरली लोग इतना ही जानते हैं कि द स्टडी ऑफ क्वेश्चंस कंसर्निंग द नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस, यानी कि वो प्रश्न जो रियलिटी या एग्जिस्टेंस की नेचर से कंसर्न रखते हैं वो सब मेटाफिजिक्स के हिस्से हैं. मतलब कि तत्व क्या है, यथार्थ क्या है, वो मेटाफिजिक्स का, उसका सरोकार मेटाफिजिक्स से है. फिर एपिस्टेमोलॉजी का क्या है, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज. The study of the nature of knowledge and how these are attained and evaluated. ज्ञान मीमांसा किसका अध्ययन है, ज्ञान की प्रकृति का. ये तो ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान आप इतना समझ सकते हैं. And how these are attained. सिर्फ ज्ञान का अध्ययन नहीं, और ये भी बताता है ज्ञान मीमांसा कि कैसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं. फिर एक्सियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू. मूल्य के प्रश्न से लेना देना एक्सियोलॉजी का है. डील्स विद इश्यूज ऑफ वैल्यू इन द फॉलोइंग एरियाज. वो वैल्यू के इश्यू से डील करता है, किन एरिया में, इथिक्स के एरिया में और एस्थेटिक्स के एरिया में. तो इथिक्स के एरिया में क्या होगा, द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी नीति की बात एथिक्स करता है कि नैतिकता क्या होती है, रेशनल ग्राउंड क्या होता है, गुड कंडक्ट क्या होता है, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू क्या होता है, ये सब एथिक्स का लेना देना इससे है. और एस्थेटिक्स, जब आप सौंदर्य शास्त्र कह सकते हैं इसको, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड वैल्यू ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड द एस्थेटिक एक्सपीरियंस. मतलब कुछ बड़ा सुंदर कलाकृति है, बहुत सुंदर प्रकृति है, उन सब का अध्ययन और उसमें वैल्यू ढूंढना कि वो उसमें क्या गुड टू ब्यूटी, गुडनेस उसका क्या है. ठीक है, अब डील करते हैं मेटाफिजिक्स से. देखिए मेटाफिजिक्स हम लोग इतना भी पढ़कर निकल जाएंगे और जानेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा कि ये कंसर्न विद द क्वेश्चंस ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी इन एग्जिस्टेंस. लेकिन वो जो रियलिटी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी चार कैटेगरी में आप उसको बांट सकते हैं. कौन कौन से, कॉस्मोलॉजिकल, थियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल. कॉस्मोलॉजिकल का मतलब क्या है, ब्रह्मांड से उसका लेना देना है. थियोलॉजिकल का मतलब धर्म शास्त्र से लेना देना, इसमें ईश्वर से संबंधित प्रश्न होंगे. ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड से संबंधित, एंथ्रोपोलॉजिकल में मनुष्य से संबंधित, और ऑन्टोलॉजी में सत्ता से संबंधित, एग्जिस्टेंस से संबंधित, वस्तु से संबंधित, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कह रहे हैं ना. तो ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां भी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, कहां मेटाफिजिक्स में. तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑन्टोलॉजी जो है वो मेटाफिजिक्स का सबसेट है. तो देखिए इसको, मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस. ये क्लियर हो चुका है. मेटाफिजिकल क्वेश्चंस आर द मोस्ट बेसिक टू आस्क बिकॉज दे प्रोवाइड द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल सबसीक्वेंट इंक्वायरीज बेस्ड. वो कह रहे हैं कि जो तत्व मीमांसा के प्रश्न है वो सबसे बेसिक है क्योंकि बाकी सारी इंक्वायरी उसी पे बेस्ड करती है. तो वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल क्वेश्चंस मे बी डिवाइडेड इनटू फोर सबसेट. वो कह रहे हैं कि आप जो तत्व मीमांसा से जुड़ के को जिन प्रश्नों से लेना देना है उनको चार सबसेट में बांट सकते हैं. पहला ब्रह्मांड से रिलेटेड,
कॉस्मोलॉजी कंसिस्ट इन द स्टडी ऑफ थियरीज अबाउट द ओरिजिन नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड कैसे आया, ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सा जीव आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट एंड डेवलप, ये सारे प्रश्न इससे मिलते जुलते प्रश्न कॉस्मोलॉजी में आएंगे। दूसरा आस्पेक्ट इसका क्या है, थियोलॉजिकल, जिसमें धर्म से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे थियोलॉजी इज द पार्ट ऑफ रिलीजियस थियरी दैट डील्स विद द कंसेप्शंस ऑफ एंड अबाउट गॉड, इज देयर ए गॉड, क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर के कौन से गुण होते हैं, किन गुणों को ईश्वरीय गुण कहेंगे, क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो थियोलॉजिकल आ जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मनुष्य से संबंधित, डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, यानी मन और शरीर का क्या अंतर संबंध है, क्या मन शरीर पर निर्भर करता है या शरीर मन पर निर्भर करता है, इस प्रकार के प्रश्न। और द फोर्थ आस्पेक्ट ऑफ मेटाफिजिक्स इज द ऑन्टोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और व्हाट इट मींस फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट, यानी कि तत्व से रिलेटेड, वस्तु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऑन्टोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जैसे इज बेसिक रियलिटी फाउंड इन मैटर और फिजिकल एनर्जी और इज इट फाउंड इन स्पिरिट और स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे कि जो बेसिक रियलिटी है वो द्रव्य में है या फिजिकल एनर्जी होती है या स्पिरिट में है या स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इस तरीके के प्रश्न ऑन्टोलॉजी के हिस्से आएंगे। फिर मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन, मेटाफिजिक्स का एजुकेशन से क्या लेना देना है, मेटाफिजिक्स और द इश्यू ऑफ अल्टीमेट रियलिटी सेंट्रल टू एनी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का केंद्र है मेटाफिजिक्स, कैसे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल टू बी बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड रियलिटी, ये हमको बताता है कि किस रियलिटी पे आपका स्कूल का प्रोग्राम चलेगा। Metaphysics is speculative and focuses on issues such as the nature of cause-effect relationships. It relates to teaching in terms of thoughts about educational goals, the selection of appropriate content and educational goals and attitudes towards the general nature of learners. वो कह रहा है कि तत्व मीमांसा तो पूरा केंद्र बिंदु है शिक्षा का, क्योंकि यही बताता है कि गोल क्या होगा आपके पढ़ाई लिखाई का, शैक्षिक गोल क्या होगा, कौन सा कंटेंट उसके लिए चुना जाएगा, ये सारी बातें मेटाफिजिक्स से लेना देना इसका है। फिर epistemology, epistemology is the branch of philosophy concerned with the nature and scope of knowledge and is also referred to as theory of knowledge. इतना समझ में आ गया कि ज्ञान मीमांसा को आप कह सकते हैं ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान से लेना देना है इसका। Is the study of the nature, source and validity of knowledge. ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और वैधता पे बात करती है epistemology. It covers two areas. Mainly इसके दो क्षेत्र हैं जिनको ये कवर करती है, कौन कौन से, the content of thought, यानी कि जो thought process है, जो विचार है उसका विषय वस्तु क्या है, और thought itself, यानी विचार और विचार की विषय वस्तु, दो चीजों से लेना देना एपिस्टेमोलॉजी का है। और इन एजुकेशनल टर्म्स इसका लेना देना किसे है, करिकुलम, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा, एंड इंस्ट्रक्शन और कंटेंट एंड मेथड, किस विधि से पढ़ाया जाएगा और पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा, ये एपिस्टेमोलॉजी, क्यों, क्योंकि पाठ्यक्रम ही तो कल्मिनेट होगा ज्ञान में ना। फिर epistemology sources of knowledge, वो कह रहे हैं कि ठीक है ज्ञान मीमांसा यानी कि हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ज्ञान मिल सकता है, कौन कौन से स्रोत हैं, तो कह रहे हैं बहुत सारे हैं। पहले तो यही आप जान लीजिए कि कई लोग तो यही बात करते हैं, क्या आप सत्य को जान सकते हैं, इसी पे बहुत वाद विवाद है। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है हम सत्य को जान सकते हैं, तभी तो हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि पहला जो सोर्स है वो क्या है, सेंसेस, हमको इंपिरिकल मतलब कि हमको अपनी ज्ञान इंद्रियों से मिलता है ना, नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द सेंसेस। सेंट्रल टू मोस्ट पीपल्स आंसर टू दैट क्वेश्चन इज एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म माने कि वो ज्ञान जो आप देख के प्राप्त करते हैं, अपनी सेंसेस से प्राप्त करते हैं। दूसरी तरीके का ज्ञान क्या है, सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू आउट दिस स्पैन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन रिवीलेशन, जो हमको रिवील किया गया है, जैसे कि जो हमको धर्म के क्षेत्र का ज्ञान है, जो हमको बताया गया कि ये चीजें सत्य हैं, ये चीजें सही हैं, उसको हमने एज इट इज मान लिया है। तो पहला ज्ञान हमको सेंसेस से मिला, दूसरा ज्ञान हमको रिवीलेशन से मिला, तीसरा ज्ञान हमको अथॉरिटी से मिलता है, जो क्लासरूम में मिलता है, टीचर ने बोल दिया तो सही है, टेक्स्ट बुक में लिखा है तो सही है, हमको अथॉरिटी ने बताया है। और चौथा ज्ञान क्या है, रीजन, हमको अपने तर्क से मिलता है, वाद विवाद से मिलता है, आर्ग्यूमेंट से मिलता है, लॉजिक से मिलता है, थॉट से मिलता है, इसको रेशनलिज्म भी कहते हैं। और फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज है इंट्यूशन, जो कि हमको डायरेक्ट इमीडिएट मिल जाता है, मतलब तुरंत मिल जाता है, डायरेक्ट एम्प्रिहेंशन ऑफ नॉलेज दैट इज नॉट डिराइव फ्रॉम कॉन्शियस रीजनिंग और इमीडिएट सेंस परसेप्शन। ठीक है, इन द लिटरेचर डीलिंग विद इंट्यूशन वन ऑफन फाइंड सच एक्सप्रेशंस एज इमीडिएट फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, अचानक से आपको किसी चीज का आंसर मिल जाए तो वो इंट्यूशन है। तो कैसे कैसे कि मिला ज्ञान, सेंसेस से मिला, रिवीलेशन से मिला, आपको अथॉरिटी से मिला, आपको रीजन से मिला और आपको इंट्यूशन से मिला। ये पांच सोर्सेज ऑफ नॉलेज है एपिस्टेमोलॉजी में। और एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन आर टेसिट कंपेनियंस एंड बोथ आर प्राइमरीली द एक्ट ऑफ नोइंग। देखिए शिक्षा में भी हमको क्या है, जानना है, और एपिस्टेमोलॉजी का लेना देना भी जानने से है। तो एपिस्टेमोलॉजी इज द मोटर ऑफ एजुकेशन इन अ सेंस बिकॉज इट ड्राइव्स द एजुकेशनल प्रोसेस। आप कह सकते हैं कि जो एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा, वही मोटर है, वही चला रही है शिक्षा को उस दिशा में जिधर शैक्षिक प्रक्रिया जा रही है।
या शैक्षिक प्रक्रिया किस दिशा में जानी चाहिए उसको चलाने का मोटर एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है। और एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी का मतलब ये एक्सियोस और लोगोस से बना है, लोगोस जहां जहां भी आता है उसका मतलब स्टडी होता है, एक्सियोस का मतलब वैल्यू है, तो ये स्टडी ऑफ वैल्यू है। फिर एक्सियोलॉजी को वो कह रहे हैं दो मुख्य शाखाएं हैं इसकी, इथिक्स और एस्थेटिक्स। इथिक्स किसका अध्ययन है? मॉरल वैल्यूज एंड कंडक्ट का, यानी कि नैतिक मूल्यों और व्यवहार के अध्ययन को नीति शास्त्र कहते हैं। जैसे हाउ शुड आई बिहेव, हमको किस तरह बिहेव करना चाहिए, ये हमको इथिक्स बताता है। जबकि एस्थेटिक्स क्या बताता है? वॉट इज ब्यूटिफुल, किसको आप सुंदर कहेंगे, सौंदर्य की डेफिनेशन क्या है। एस्थेटिक्स इज द रियलम ऑफ वैल्यू दैट सर्चेस फॉर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द क्रिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, यानी कि हमको ब्यूटी और आर्ट का एप्रिसिएशन करना आए, ये एक्सियोलॉजी है। फिर एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन की, एक्सियोलॉजी हमको बताती है क्या, प्रोजेक्टिंग ए सिस्टम ऑफ वैल्यूज प्रपोजेस एजुकेशनल एम्स अंडर द फॉर्म ऑफ एक्सियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स, यानी कि जो आपने एजुकेशनल एम बनाए हैं वो मूल्य की दृष्टि से अच्छे हैं कि नहीं। एक्सियोलॉजी कंप्राइजेस बोथ जनरल ह्यूमन और यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक वैल्यूज। हम शिक्षा की एक डेफिनेशन ये भी तो पढ़ते हैं, शिक्षा का एक कार्य ये भी है ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वैल्यूज का ट्रांसमिशन करे, है ना। तो एक्सियोलॉजी इस रूप में शिक्षा से जुड़ी है। परफॉर्मेंस ऑफ वैल्यूज रिक्वायर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि जब हम मूल्य दिखाते हैं, मूल्य का जब परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसमें दो चीजें लगती है, एक तो हमारा ज्ञान और अनुभव, इससे एक्सियोलॉजी का लेना देना है। और एक्सियोलॉजी क्या है? होराइजन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। देखिए हमारे, हम क्रिएटिव हों उसके लिए जरूरी है कि हमको मूल्य का ज्ञान हो, है ना। तो एक्सियोलॉजी का इस दशा में भी कि कल्टिवेशन ऑफ क्रिएटिव पावर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि क्रिएटिविटी से लेना देना एक्सियोलॉजी का है। तो इस तरह से एक्सियोलॉजी एजुकेशन से जुड़ी है। थोड़ा मैटर ज्यादा था, अगर मैं इसको ब्रांचेस अलग करती तो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने उसके साथ उसकी मीनिंग डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स भी जोड़ दिया ताकि आपको इन टोटैलिटी पता चल जाए। तो आई थिंक नाउ यू पीपल आर क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी कि ये क्या है, रेशनल इंक्वायरी है प्रॉब्लम्स के बारे में। वो प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड होंगी? रियालिटी से, एग्जिस्टेंस से, ह्यूमन से, नॉलेज से, जस्टिस से, वैलिडिटी से, माइंड से, लैंग्वेज से, सबसे। फिर इसकी तीन मुख्य शाखाएं हैं, इपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स का मतलब तत्व मीमांसा। वो कह रहे हैं कि तत्व से रिलेटेड सवाल भी चार कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे कॉस्मोलॉजिकल जिसमें ब्रह्मांड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, थियोलॉजिकल ईश्वर से संबंधित, एंथ्रोपोलॉजिकल मनुष्य से संबंधित, और लास्ट में ऑन्टोलॉजिकल वस्तु से संबंधित। फिर कह रहे हैं या तत्व से संबंधित या अस्तित्व से संबंधित। और फिर ये कह रहे हैं कि इपिस्टेमोलॉजी क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, और हमको थ्योरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज के लिए कहते हैं कि कई सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे सेंसरी ऑर्गेन्स आपके सेंसेस, रिवीलेशन आपका हो गया, अथॉरिटी, रीजन और इंट्यूशन। उसी तरह से एक्सियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वैल्यू है, थ्योरी ऑफ वैल्यू है, ये हमको बताती है कि मूल्य क्या है। मूल्य के बारे में ये कहता है कि दो भाग में इसको बांट दिया, इथिक्स और एस्थेटिक्स। नीति शास्त्र कहता है कि हाउ शुड आई बिहेव, हाउ व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके कंडक्ट के बारे में इथिक्स बात करता है। और किसको आप ब्यूटीफुल कहेंगे, ब्यूटी के क्या पैरामीटर्स हैं, वो सारा एस्थेटिक्स से उसका लेना देना है। तो इस तरह से ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी कंप्लीट होगी। और आगे आप जितनी भी फिलोसफी पढ़ेंगे आप अपने दिमाग में रखिए कि इस फिलोसफी का इपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी क्या है, तो आपको फिलोसफी क्लियर हो जाएगी और आपको रट रट के याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक कंसेप्शंस अबाउट फिलोसफी एंड ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।